भक्त रूप स्वरूप कम भक्त अवतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे ग्रंथराज भगवत भागवत महापुराण की श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की पहला सिकंद अध्याय 15 श्लोक नंबर 15 जिसमें हम भगवान की जो प्लानिंग्स हैं वो कितनी परफेक्ट हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर रीति से यहाँ पर सुत गोस्वामी बताते हैं। वे कहते हैं यो भीष्म कारण गुरु शल्य चमोष्वदा अब्र राजन्यवर्य रथ मंडल मंडितासु अग्रेचरो मम विभो रथयूथ पाना मायुर्मनांसि च दृशा सह ओज आश। हमने लास्ट दफा पढ़ा था जब अर्जुन आए थे और उन्होंने बताया था कि भगवान अब इस धराधाम पर नहीं रहे, उसके उपरांत अब ये जो सारे पांडव हैं वो भगवान ने कृष्ण ने हमारे साथ किस तरह से प्रेम किया और हमारे हर संकट में किस तरह से उन्होंने हमारी सुरक्षा की उनके विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य, मतलब एकमात्र वे ही थे, यो मतलब वो कृष्ण केवल कृष्ण ही हैं जिन्होंने सबकी आयु छीन ली। हालांकि अगर देखा जाए तो जिनके यहाँ पर नाम बताए गए हैं जैसे भीष्म देव, उनकी आयु कितनी थी, इच्छा मृत्यु थी। हम लोगों को ये सुनकर भी मतलब बार बार सुना है ना तो इतना नॉर्मल लगता है कि इच्छा मृत्यु, लेकिन उनके पास ऐसा वरदान था कि जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक मरेंगे नहीं। और अपोजिट साइड पर अगर अकेले भीष्म पितामह भी खड़े ना तो भी पर्याप्त है क्योंकि वो अपनी मर्जी से मरने वाले हैं। अगर कृष्ण ना होते ना इनके साथ पांडवों के साथ तो कैसे हराते उनको। तो यहाँ पर बता रहे उनकी आयु सबकी आयु छीन ली, मतलब जब हम हमारे साथ कृष्ण होते हैं तो अपोजिट में चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना ही ज़्यादा उसके पास पावर क्यों ना हो, कितनी ज़्यादा उसकी साधना हो, जो भी हो, लेकिन अगर कृष्ण हमारे साथ है तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। तो जिन्होंने सबकी आयु छीन ली, भीष्म कर्ण गुरु शल्य, और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्म देव कर्ण द्रोण शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। वो बहुत ज़्यादा उत्साह थे, ऐसा कोई युद्ध नहीं था जो इन्होंने हारा हो, जैसे कर्ण है गुरु द्रोणाचार्य हैं शल्य है भीष्म पितामह, इन्होंने हार का टेस्ट कभी लिया ही नहीं था। और अभी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा विशाल सेना थी उनकी, बहुत ज़्यादा थी उनके अगर कंपेयर में देखा जाए तो पांडवों की सेना थोड़ी थी, नारायणी सेना थी उनके पास कृष्ण की, जिसकी शक्ति के विषय में मतलब पूरा संसार जानता है। लेकिन उनका उत्साह खत्म हो गया केवल ये देखकर कि कृष्ण उस साइड पर है। कृष्ण ने देख के बोला तुम क्या हरा सकते हो क्या, तो हम कितने भाग्यशाली हैं
कि भगवान ने हमको सिलेक्ट किया कि हम भगवान की टीम में हैं, है ना। कृष्ण का नाम लेना, कृष्ण के टेम्पल में आकर सेवा करना, भगवान के लिए जगना, भगवान की सेवा, मतलब भगवान को अपने जीवन में, हमको तो लगता है कि हमने ये डिसाइड किया है कि हम भक्त बनेंगे, है ना। आप जैसे आप लोग आए हो, सुबह को कथा कर सुन रहे हो, सेवा कर, आप लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि भैया अब हम भक्त बन रहे हैं, या भक्त बनना प्रारंभ कर रहे हैं, या भक्ति के कार्य। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इतने सारे करोड़ों लोगों में भगवान ने हमें सिलेक्ट किया है कि आप, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनकी कृपा सबके ऊपर है। ऐसा नहीं कि भगवान पार्शियलिटी करते हैं कि नहीं, मुझे इसके ऊपर कृपा करनी है, इसके ऊपर नहीं करनी है। लेकिन भगवान भी तो बोलते हैं ना 9.29 में, समोहम सर्वभूतेषु, मैं तो सबके लिए एक जैसा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्शियलिटी दिखती है कि किसी गुरु की कृपा से, किसी वैष्णव की कृपा से, श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोगों को कृष्ण ने जोड़ दिया अपने साथ। और जब कृष्ण ने जोड़ दिया है तो इसके साथ साथ एक गारंटी है, अब अपोजिट में कोई भी हो, हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आगे उन्होंने लिखा है कि उनकी योजना अत्यंत पटु है। पटु का मतलब होता है कि कृष्ण जो है वो एकदम एक्सपर्ट प्लानर है, सुप्रीम प्लानर है। जब हम कृष्ण की शरण में आ जाते हैं ना, तो अब हमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमें कृष्ण की सेवा करनी है, और कृष्ण को कैसे प्लान करना है, हमारे जीवन को कैसे सुरक्षा प्रदान करनी है, कैसे सब कुछ करना है, वो सब। लेकिन हमारे अंदर सिर्फ सिंसियरिटी होनी चाहिए कि मुझे बगैर किसी और उद्देश्य से, और मतलब अन्य अभिलाषिता शून्य, और कुछ भी नहीं, अनुकूले न कृष्णानु, ये भक्ति सूत्र है। जब हम भक्त बनते हैं ना, तो बस बार बार अपने अंदर ये दो चीजें देखनी चाहिए, क्या कृष्ण को खुश करने के अलावा मेरे मन में कोई इच्छा तो नहीं आ रही है। ये सेवा भी आप कर रहे हो ना, आप जो भी सेवा कर रहे हो, आप अना फ्लावर की सेवा करते हो, नाम जप कर रहे हो, आप मंगल आरती करो, कुछ भी, उस टाइम पर अपने आप को बार बार हमको जज करना है कि ये मैं अनुकूल्य ने कृष्णानु है, ये मैं खाली कृष्ण, या उसके अंदर मेरा कोई और मोटिव भी है। जब हमारा और कोई मोटिव होगा ना, तो फिर उसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। जो रिजल्ट है ना, अभी देखो ये कौरवों ने जो युद्ध किया था पांडवों ने, उनको कुछ नहीं था। अर्जुन ने पहले ही बोला कि मुझे ना राज्य चाहिए, ना मुझे सुख चाहिए, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और पूरी भगवद गीता सुनने के बाद बोला मैं युद्ध करूंगा, ऐसे कभी नहीं बोला अर्जुन ने। अर्जुन ने कहा अब मैं क्या करूंगा, जो आप बोलोगे वो, जो मैं आपके लिए करूंगा, क्योंकि मुझे ये सब के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। तो हमको बार बार ये सोचना है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। तो फिर कृष्ण क्या करेंगे, कृष्ण एक बहुत ही सुंदर योजना बनाएंगे। हमको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह से भगवान इतना अच्छा प्लान करेंगे, हर चीज़ खुद ब खुद होती जाएगी, और एकदम आनंद से जिएंगे, परेशानी खत्म हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। वरना हम सोच सकते हैं, हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं ना, देखो हम तो एकदम नॉर्मल लाइफ, रात मतलब भक्ति का, हमको भक्ति ही करनी है और कोई टेंशन नहीं है हमको। नॉर्मल थोड़ा सा अगर घर गृहस्थी का टेंशन होगा, और स्पेशली हम लोग जो है प्रभु जी हैं, हम कुछ नहीं है, सिर्फ भक्ति करनी है, नाम जप करना है, सेवा करनी है। फिर उसमें भी हमको ना बहुत दफ़ा बैलेंस करना पड़ता है कि भाई ये सेवा हेडेक होता है कि भाई ये काम हो गया, सेवाएं बढ़ गई। इनके बारे में हम सोच सकते हैं जिन्हें युद्ध करना था, है ना। रोज मॉर्निंग में उठने के टाइम पर, मतलब युद्ध शुरू होने टाइम पर शंख बजता होगा, और उनको ये लगता होगा कि हो सकता है आज हमारा आखिरी दिन हो, युद्ध है ना, तो इतने सारे लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, और कंटिन्यूअस मुझे मतलब इस मौत के साथ लड़ाई करनी है, युद्ध करना है। और वो इतने संतुष्ट हैं
कि कृष्ण बैठा हुआ है ना, कुछ प्रॉब्लम है ना। कितनी बड़ी बात है कि युद्ध, और हमको तो थोड़ा सा घर मेंटेन करना होता है, थोड़ा सा दुकान मेंटेन करना होता है, इनको पूरे राज्य को मेंटेन करना था। अब युद्ध करने के बाद जब इन्होंने इतना बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया और पूरी पूरा जो सारा सारे जगहों पे उनकी हुक्मरानी थी, उनका राज्य था, तो सब उनकी प्रजा थी। जैसे हम प्रभु बता रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज फिर भी 2 घंटे चैंटिंग करने के लिए निकालते थे कि भाई अपने भाइयों को बिठा देते थे। वो कथा सुनी थी ना आप लोगों ने, एक जगह पर भीम को खड़ा कर दिया था, एक अर्जुन को खड़ा कर दिया था कि आप लोग कोई याचक आए तो मैं जब कर रहा हूँ उसके लिए उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब कितनी सुंदर योजना थी युधिष्ठिर महाराज की कि मैं महाराज हूँ, मुझे प्रजा को ख्याल रखना है लेकिन मुझे अपनी साधना भी तो करनी है। तो वो हर रोज इतने बड़े राजा, हम सोच सकते हैं उनके पास कितनी बड़ी मैनेजमेंट होगी, लेकिन वो फिर भी क्या करते थे, अपने चारों भाइयों को खड़ा करते थे कि कोई भी आएगा सवाल करेगा आपको उसका रिस्पॉन्स देना है, उसको अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना है, अगर नहीं कर सकते तो उसको प्रतीक्षा कराना है, मैं फिर भी अपनी साधना कंप्लीट करके आऊँगा। इतना भगवान के ऊपर विश्वास, और इतना हम तो थोड़ा सा होता है ना कैसे अपना साधना फौरन से भाई अब आज सेवा बहुत है तो ये नहीं होगा, लेकिन इनसे हमें देखना होता है कि किस तरह से मैनेज किया होगा उन्होंने, और उन सब की भगवान की योजना इतनी, उन सब की योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन भगवान ने आगे बढ़कर ये सब कर दिखाया। तो इसका यहाँ पर कह रहे कि जो अपोजिट साइड में थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, शल्य थे, कर्ण थे, वो कोई साधारण नहीं थे कि भाई एकदम ऐसे ही साधारण से अंगूठा छाप लोग हैं उनके साथ युद्ध करना है। उन्होंने जो योजना बनाई थी, उन्होंने जो युद्ध शैली थी, वो भी इतने एक्सपर्ट थे कि उन्होंने पूरा 100% एफर्ट्स देकर सब कुछ किया था, लेकिन सामने जो था वो मास्टरमाइंड खड़ा था ना कृष्ण, तो कृष्ण के कारण क्या हुआ था, उनकी सारी योजना फेल हो गई थी। तो अगर हम कृष्ण के ऊपर छोड़ते हैं ना कि कृष्ण बैठे हैं और हम अपनी तरफ से एफर्ट्स लेते हैं तो कृष्ण सब कुछ बहुत ही सुंदर साधक कर लेते हैं। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने परमात्मा रूपी पूर्ण अंश से सभी के हृदय में विस्तार करते हैं, और इस तरह स्मृति विस्मृति ज्ञान बुद्धि बुद्धिनता तथा मनोवैज्ञानिकता कार्यकलापों में सबका निर्देशन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 15 में भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम। तो भगवान क्या क्या देते हैं, स्मृति विस्मृति ज्ञान भी देते हैं और भूल मतलब याद करने की शक्ति भी देते हैं और भूल जाने की शक्ति देते हैं। तो वो भूल गए अपनी योजना बना के कि कैसे मुझे हमको करना है, तो उनको विस्मृति दी और उनको ज्ञान भी देते हैं और बुद्धि खत्म कर बुद्धिहीनता भी देते हैं। तो हमको है ना इस बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि सामने कौन है, हमको ये देखना है साथ में कौन है, क्योंकि हमारे साथ में अगर कृष्ण है तो सामने वाले के पास भले कितनी ही स्मृति हो लेकिन वो विस्मृति भी तो देते हैं, अगर हमारे अपोज में बहुत ही बुद्धिमान हो तो वो बुद्धिहीनता भी तो देते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो क्या करते हैं कृष्ण कि सबके हृदय में बैठे हुए हैं सबके। कल प्रभु ने जहाँ कथा खत्म की थी वो वाली स्टोरी कितनी नाइस था कि वो कृष्ण को बोलते हैं आपके कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कृष्ण उसके भी हृदय में है, आपके भी हृदय में, आपके भी हृदय में, आपके कोई भी प्रॉब्लम हो अगर हम डायरेक्ट से उसको फेस नहीं करें, कृष्ण को तो बोल सकते हैं ना, कृष्ण तो हमारे हैं, भाई कृष्ण तुम उसके भी हृदय में बैठे हो ना, ये प्रॉब्लम है उसके साथ, मुझे आप इसकी ये प्रॉब्लम जो है ना
वो उसके कारण मुझे ये डिस्टर्बेंस हो रही है, आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो हृदय में रहते हुए वो किस तरह से उसके, वो हमारी फेवर करेंगे ही करेंगे, हम क्योंकि सरेंडर है ना, तो कृष्णा हमारी फेवर करेंगे। और कृष्ण देखेंगे क्या, हमारी प्योरिटी देखेंगे कि हम कितना प्योरिटी के साथ, और हम डिवोशन में आगे बढ़ना चाहते, किसी की हानि नहीं करना चाहते, किसी की ईर्ष्या नहीं करते, किसी के लिए हमारे मन में कोई जियलसी नहीं है, निंदा नहीं है। अगर हम प्योरिटी से आगे बढ़ेंगे ना, तो सारे काम कृष्ण कर सकते हैं, क्योंकि सबके दिल में बैठे हुए हैं सब। और सबसे ज़्यादा निश्चिंत अगर कोई हो सकता है ना संसार में, एकदम निश्चिंत, कोई टेंशन नहीं, वो केवल कृष्ण का भक्त होता है। कृष्ण भक्त बिंदास, माया का दास सदा उदास। क्योंकि हम बाकी सारे, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप कृष्ण के दास बनोगे या माया के दास बनोगे। माया का दास बनकर कभी भी सुख शांति और रिलैक्स नहीं हो सकता, क्योंकि माया आपको हर वक्त, वो माया क्या करती है, वो आपको हर वक्त फंसाने की कोशिश करती है। और हम क्या करते हैं, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंचा करे। हर कोई जीव जो है वो कृष्ण को थोड़ी देर के लिए भूल कर भोग की इच्छा करता है। और फिर क्या होता है, निकट स्थित माया तारे झपटिया धरे। साथ में ही माया खड़ी हुई है और वो इंतजार कर रही है कि कब वो इधर आए, कृष्ण से हटकर थोड़ा इधर आए, फिर मैं उसको झपट लूँगी। और ये कंटिन्यूस होगा, ऐसा नहीं है कि हम डिवोटी बन गए हैं, अब हमने कंठी धारण कर लिए, चैंटिंग स्टार्ट कर, अब माया सोचेगी ये बेचारा तो हरे कृष्ण वाला बन गया, भगत बन गया, अब इसको छोड़ती हूँ मैं कोई दूसरा। वो और भी ज़्यादा इधर आएगी, क्योंकि उसको पता है बाकी सब तो वैसे ही मेरे अंडर कंट्रोल्ड हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता, ये उधर जा रहा है, ये इसको पकड़ना है, तो निकट ही खड़ी है, किधर भी नहीं जाएगी माया। जैसे ही हमारे मन से कृष्ण भूलिया जीव, जैसे ही भोग की इच्छा होगी और बोलेंगे अब बहुत हो गया डिवोशन, थोड़ा सा एंजॉय कर लें, फिर निकट स्थित माया तारे झपट या धरे, वो झपट के आ जाएगी। और हमें हमारे पतन के लिए हर वक्त तैयार होगी, कभी ये नहीं सोचना अब तो मैं भगत बन गया हूँ, अब तो मैं अना हरि नाम भी जप करता हूँ, मंगला सेवा करता हूँ, अभी माया नहीं बिगाड़ेगी। श्रीला प्रभुपाद जी पता है क्या बोलते थे, बोलते थे ओ कृष्ण प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम योर माया। 70 साल की उम्र में जितने प्रभुपाद जी जो भगवान के मतलब शक्ति आवेश अवतार हैं, हमारे लिए तो श्रीला प्रभुपाद जी जो है वो भगवान के पार्षद बनकर आए, वो भी क्या बोलते हैं, ओ कृष्णा प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम योर माया। और श्रीला प्रभुपाद जी बोलते मुझे बस एक ही प्रॉब्लम है कि मेरे शिष्य जो है ना वो माया से डरते नहीं है, माया हमेशा सोचते बस ओके है, माया क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए, वो कभी भी हम पर अटैक कर सकती है। आगे लिखते हैं श्रीला प्रभुपाद जी, परमेश्वर होने के नाते वे जीव की आयु को घटा बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस हो गया, वो परमेश्वर हैं। परमेश्वर का क्या मतलब होता है, जो रूल्स बना सकता है, जैसे गवर्नमेंट होती है रूल बनाती है, तो रूल में चेंजिंग भी तो कर सकती है, मिटा भी तो सकती है, दूसरा रूल भी बना सकती है ना। तो उसी तरह से भगवान के लिए कोई, कृष्णा मतलब क्या है, कृष्ण का मतलब है, भगवान का मतलब होता है जो कोई चीज़, जिसके लिए कोई भी चीज़ हो इम्पॉसिबल नहीं है। आपकी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, कोई संसार का सबसे बड़ी समस्या हो ना, तो कृष्ण के लिए मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। हम अगर कृष्ण के सरेंडर हैं तो सारी प्रॉब्लम्स को बता दो, तुम्हें पता नहीं मेरा कृष्ण कितना बड़ा है। हमको प्रॉब्लम क्या होती है, हमको प्रॉब्लम होती है हम कृष्ण को बोलते कृष्ण बताओ मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हम ऐसे बोलते हैं ना, मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसे बताते हैं आचार्यगण कि कृष्ण को मत बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, बल्कि प्रॉब्लम को बताओ कि तुम्हारा कृष्ण कितना बड़ा है, कौन सी चीज़ है वो कृष्ण कर नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि वो परमेश्वर है,
तो किसी की आयु, भले ही भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का कवच पहन के आए, भले ही कर्ण जो है वो इतने सारे हथियार लेकर आया है जो कि वो कुछ भी किसी को भी है ना मार सकता है, लेकिन सामने परमेश्वर है तो किसी की भी मृत्यु आयु हरण कर सकता है। इस प्रकार भगवान ने अपनी योजना के अनुसार कुरुक्षेत्र का संचालन किया। वे इस युद्ध को इसलिए कराना चाहते थे जिससे वे युधिष्ठिर को इस लोक का सम्राट बना सके। युधिष्ठिर कौन है? धर्मराज है, क्योंकि भगवान की ये ड्यूटी है जहां जहां अधर्म होगा उसका नाश करने की ड्यूटी भगवान की है। भगवान ने कहा धर्म संस्थापनार्थाय, मैं क्यों आता हूँ? परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृता, जो भक्त हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए, जो दुष्ट हैं उनका नाश करने के लिए। तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि भाई जो दुष्ट होते हैं वो कितना अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना अगर देखा जाए तो कितने परसेंट दुष्ट हैं जो कि है ना उन्नति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, और भक्ति में इतनी प्रगति नहीं हो रही है। तो कृष्णा अभी क्यों नहीं ये चीज़ को कर रहे हैं, भगवान उनको नाश नहीं कर रहे हैं या ऐसा? तो क्या है, भगवान जो है ना वो करने देते हैं कि करो, जब तुम्हारा घड़ा, पाप का घड़ा बढ़ जाएगा ना, फिर मैं उसको कैसे फोड़ूंगा? तो उसके लिए टेंशन और करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा है परित्राणाय साधुना, तो अगर हमें सुरक्षा चाहिए तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उन्नति किसकी हो रही है, प्रगति किसकी हो रही है, हमें ये देखना चाहिए मैं कहाँ खड़ा हूँ। अब जब एक भगवान त्रेता युग, द्वापर युग में जब भगवान आए ना, तो वो किसके साथ खड़े थे? पांडवों, है ना? द्वापर युग में जब आए तो किसके साथ युद्ध में खड़े थे? पांडवों के साथ। क्यों पांडवों के साथ खड़े थे? क्योंकि धर्म उनके साथ। अभी हमें रोज ये देखना चाहिए अपने अंदर कि आज अगर कलयुग में भगवान आएंगे तो हर हर दफा हमारी भी तो युद्ध हो ही रही है ना किसी के साथ, युद्ध तो है ही है। तो हमको ये देखना चाहिए क्या मैं उस कैटेगरी में पूरी उतरती हूँ कि कृष्ण अगर आज आएंगे तो मेरे साथ खड़े होंगे, क्या मैं धर्म के साथ हूँ? और बस अगर उसका जवाब हाँ मिलता, ये जजमेंट हमें खुद करनी है, अपने आप से करनी है, क्योंकि हमारे मन में क्या चलता है, एक्टिविटी सब देखते हैं लेकिन मन में क्या चल रहा है वो तो खाली कृष्ण को पता है ना। तो कृष्ण अगर हम जानते हैं कि हम प्योरिटी के साथ केवल कृष्ण की सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हमारे मन मन में अन्य अभिलाषों का शून्य है, तो कृष्ण मेरे साथ खड़े हैं, और कृष्ण मेरे साथ खड़े हैं तो मेरी विजय तो निश्चित है। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि वो क्यों करना चाहते थे उनकी सहायता पांडवों की, क्योंकि वो धर्मराज युधिष्ठिर को सम्राट बनाना चाहते थे। इस दिव्य कार्य को सुगम बनाने हेतु उन्होंने अपनी परम शक्तिमान इच्छा से विरोधी पक्ष के उन सभी लोगों को मार डाला। फिर सामने कोई भी हो, भगवान की इच्छा है धर्म की स्थापना करना, तो फिर भगवान वो करके विरोधी पक्ष में भीष्म देव, द्रोण तथा शल्य जैसे महान सेनापति थे। अतः उस युद्ध में यदि श्री भगवान ने सब प्रकार की युक्तियों से सहायता ना की होती तो अर्जुन का जीतना असंभव था। ये श्रील प्रभुपाद जी के शब्द हैं। अब देखो कृष्ण जो है वो धर्म को स्थापित करने के लिए आए, ठीक है, धर्म संस्था बनाता है, लेकिन युद्ध में किसको धर्म से मारा बताओ? सबको अधर्म से मारा, सबको, ठीक है। क्या हुआ था? भीष्म पितामह को कैसे मारा? भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, कोई मार नहीं सकता। अर्जुन आए या पांडव में से कोई भी आए, भीष्म पितामह को कोई योजना क्या बनाई, जाके पूछते हैं भाई आपने, जैसे कल प्रभु बता रहे थे द्रौपदी वाली स्टोरी बताई थी ना, कि द्रौपदी उनको बोला अखंड सौभाग्यवती वो, कि तुम्हारे पति सुरक्षित रहेंगे। अब बोला कि पति तो तभी सुरक्षित रहेंगे जब तुम मरोगे, है ना, जब तुम सामने खड़े हो, भीष्म पितामह सामने खड़ा है तो पति तो सुरक्षित नहीं है। अब आप बताओ आप कैसे मरोगे? हमने वरदान भी दिया है, हाँ भीष्म
भीष्म पितामह ने वरदान भी दिया था अखंड सभा किसको द्रौपदी द्रौपदी को वरदान दिया ना द्रौपदी को आशीर्वाद दिया कि मैं अखंड सौभाग्यवती बहु ठीक है। अब ये सीन यहां तक प्रभु ने कथा बनाई बताई ना आगे बताई थी यहां तक बताई थी। अब देखो समझो यहाँ पर भीष्म पितामह खड़े हैं जिसने ये प्रतिज्ञा ली है कि कल मैं पांडवों में से किसी को मारूंगा। कृष्ण द्रौपदी को लेकर आए और द्रौपदी ने चरण छुआ तो भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्य। अब कृष्ण सामने आए ठीक है प्रभु ने ये बताया ना कि यहाँ तक के ना वो कृष्ण जो जो है ना आपकी जुत्ती संभालते हैं वो भला जो आपके चरण में भी कांटा नहीं लगने देते वो मरने कैसे देंगे। फिर क्या हुआ था फिर जब अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिल गया तो कृष्ण ने बोला पितामह आपने तो अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया अब ये तो तब तब हो सकता है जब आप मरो। जब तक आप यहाँ से मरोगे नहीं तब तक ये युद्ध करते रहेंगे तो फिर कैसे सौभाग्य इनका है ना सलामत रहेगा। तो आप कैसे मरोगे बताओ। भीष्म पितामह से छल से जाकर उनकी मृत्यु का उपाय पूछा है और भीष्म पितामह बोलते हैं देखो जब तक मेरे पास है ना धनुष और बाण होगा मुझे कोई नहीं मार सकता कोई भी नहीं मार सकता क्योंकि मुझे तो इच्छा मृत्यु का कवच है। तो बोला धनुष और बाण तो डेफिनेटली होगा ना आपके पास आप युद्ध कर रहे हो तो आप थोड़ी ना धनुष रख के युद्ध करोगे उठा के करोगे ना तो क्या करें। फिर बोला अगर मेरे सामने कोई स्त्री आ जाती है तो मैं बाण रख दूंगा मैं स्त्री पर कभी भी हथियार नहीं चलाता। युद्ध भूमि में स्त्री का आना वर्जित है स्त्री नहीं आ सकती वरना तो द्रौपदी आ जाती ना द्रौपदी कोई कम थी क्या उसी के लिए तो युद्ध हो रहा था। युद्ध भूमि में स्त्री नहीं आ सकती। अब एक ही ऑप्शन था उनके पास कि लेडी किसी स्त्री को लेके आए। फिर आप लोगों को याद है एक हमने वो जब भी श्रीमद् भगवद गीता स्टार्ट किया था तो एक महाभारत वाली कथा पढ़ी थी स्टार्टिंग में उसमें तीन राजकुमारियों को लेकर आए थे भीष्म पितामह विचित्र वीर्य के साथ विवाह करने के लिए और उसमें से एक अम्बा थी एक अंबिका थी और एक अम्बालिका थी। हाँ याद है। अब क्या हुआ था उसमें से जो अम्बा थी वो एक दूसरे राजकुमार के साथ प्रेम करती थी भीष्म पितामह उसको वहाँ से हरण करके लेकर आए विचित्र वीर्य के साथ विवाह करने के लिए क्योंकि भीष्म पितामह का तो पहले से डिसाइडेड था कि वो शादी नहीं करेंगे। और जब वो लेकर आए तो अम्बा ने कहा देखो आप मुझे जबरदस्ती लेकर आए हो ना मैं लेकिन प्यार तो मैं महाराजा शल्य से करती हूँ तो मैं इसके साथ विवाह कैसे करूँ। तो भीष्म पितामह बोला मुझे रियली पता नहीं था मैंने समझा आप राजकुमारी स्वयंवर का क्या मतलब होता है कि आप उस टाइम पर डिसाइड करोगे जिस राजकुमारी ने पहले से ही किसी को डिसाइड कर लिया है उसका स्वयंवर नहीं होता उसका डायरेक्ट से विवाह होता है। स्वयंवर में तो सारे राजकुमार आएंगे ना वो कोई भी है ना उसमें से चॉइस करना तो अभी मुझे पता नहीं था कि आपने पहले से ही किसी और से ना शादी करने का सोचा है तो मैं मेरे से गलती होगी आप जाइए मेरे आप जाइए महाराजा शल्य से शादी कीजिए मैं अंबिका और अम्बालिका के साथ अपने भाई की शादी करवा दूंगा। शांतनु के जो पुत्र थे विचित्र अम्बा चली गई जब महाराजा शल्य के साथ अभी वो भी क्षत्रिय थे राजा थे तो उसने बोला कि देखो तुमको भीष्म पितामह ने जीत लिया है अब जीती हुई वस्तु को मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ मैं तुमसे शादी नहीं करता तुम जाओ भीष्म पितामह के पास क्योंकि ये तो युद्ध तो किया था उन्होंने जब ये तीन राजकुमारियों को लेकर आए थे तो हार गए थे महाराजा शल्य। तो फिर अब वापस से अम्बा जो है वो भीष्म पितामह के पास आई भीष्म पितामह को बोला कि देखो आपने मुझे हरण किया ना अभी मुझसे वो विवाह ही नहीं कर रहा है आप मुझसे विवाह करो। तो भीष्म पितामह मैं तो तुमसे विवाह करूंगा ही नहीं तुम भले मेरे भाई के साथ बोले मुझे उसके साथ विवाह नहीं तुमने जीता है ना तुमने मुझसे मुझे जीता है मुझे तुमसे शादी करनी है। बोला देखो सच्ची बात है मेरे लिए माता हो आप मेरी मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। बोला अगर तुम उसे विवाह नहीं कर सकते तो मुझे तुमने वहां से हरण करके क्यों लेके आए। बोला वो तो मैं इसके लिए अपने भाई के लिए गया। बोला मुझे नहीं पता आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो उसने बोला तुम कुछ भी कर लो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा भीष्म पितामह ने कहा मैं तो मेरी तो अखंड प्रतिज्ञा है ना मैं शादी नहीं करूँ। फिर अम्बा जो है वो भीष्म पितामह के गुरु महाराज के पास गई। उनके गुरु महाराज कौन थे बृहस्पति बृहस्पति जी आए थे नहीं परशुराम जी उनके पास गई ठीक है।
और उनके पास जाकर उनसे बोला कि देखो तुम्हारा शिष्य है, आप उसको बोलो मुझसे शादी करे, क्योंकि मुझे चोरी करके आया है, वहां से हरण करके आया, मुझे वो स्वीकार ही नहीं कर रहा है जिससे जिस वो मुझे प्रेम करता था, अब ये भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहा, तो मेरे जीवन का तो बहुत ज्यादा, बहुत रोती है कि आप भीष्म को समझाओ कि मेरे साथ शादी करें। तो उसने बोला, परशुराम महाराज ने बोला ठीक है मैं चलो उससे उसको समझाता हूँ। तो बहुत समझाया लेकिन भीष्म पितामह ने देखा, बोला गुरु महाराज आप समझिए ना मेरी बात कि मैं विवाह कर ही नहीं सकता हूँ, मेरी प्रतिज्ञा को मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। बोला अगर तुम विवाह नहीं करो तो मेरे साथ युद्ध करो। गुरु महाराज को बोला ठीक है मैं तुम्हारे साथ युद्ध करता हूँ। और ये युद्ध इतना भयंकर हुआ, इतना ऐसा बताया जाता है कि कितने मतलब महीनों तक ये युद्ध चला, लेकिन कोई उस युद्ध एंड ही नहीं हो रहा था, कि उधर से भीष्म पितामह थे, इधर से उनके गुरु महाराज थे, तो युद्ध चल रहा था। और आखिर में ना देवताओं ने आकर बोला कि भाई भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है, वो विवाह नहीं कर सकते, तो आप उनको मतलब फोर्स मत कीजिए ना। तो फिर इस तरह से उनको आशीर्वाद देकर परशुराम जी भी चले गए। लेकिन अम्बा जो थी उसका तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो उसने बहुत बड़ी तपस्या की, इतनी बड़ी तपस्या की, तपस्या करके 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 उन्होंने देवताओं को प्रसन्न किया। और वरदान में उन्होंने बोला कि अभी क्या वरदान चाहिए आपको, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनूं, मुझे भीष्म पितामह जिन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान लिया हुआ है। और अम्बा ने कहा, तो उन्होंने बोला कि भीष्म पितामह तो पता नहीं कितना समय जिएंगे, उनकी तो मृत्यु तक तो डिसाइडेड नहीं है, जब वो बोलेगा तब मृत्यु होगी। तब बोला भले उसके लिए मुझे जन्म पर जन्म लेना पड़ेगा, जितने भी जन्म लेने पड़ेंगे और कोई भी जन्म लेना पड़ेगा मैं उसके लिए लेने के लिए तैयार हूँ, बस मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ, अम्बा ने इसे बोला। फिर क्या हुआ, अब यहाँ पर सीन था, भीष्म पितामह से पूछा गया तुम कैसे मरोगे, तो उसने क्या बोला, स्त्री के सामने में। अभी वो अम्बा जो थी वो शिखंडी बनकर इस द्वापर में आई थी। शिखंडी कौन थे, जो द्रौपदी है उनके दो भाई थे, एक तो दृष्टद्युम्न जो अग्नि से उत्पन्न हुए थे, जो कौरवों के सेनापति भी थे, इनके एक दूसरे भाई भी थे, मतलब अर्धनारी बोलते हैं कि वो स्त्री भी नहीं होते हैं और पुरुष भी नहीं होते हैं। लेकिन भीष्म पितामह को तो उसमें कौन दिख रही थी, नारी। कौन थी वो, अम्बा दिख रही थी, ये वही अम्बा है। और कृष्ण कैसे चालाक हैं, उसको लेकर आए और अर्जुन के साथ में उसको खड़ा कर दिया। अब दिखने में अर्जुन पीछे खड़ा है और अम्बा ये शिखंडी जो है वो आगे खड़े। अब जैसे ही भीष्म पितामह देखा सामने कौन है, अम्बा, तो फिर उन्होंने क्या किया, हथियार, अभी तीर चल रहे हैं। और कृष्णा बोला चलाओ तीर, वो अर्जुन बोले मैं चलाओ तीर भीष्म पितामह के ऊपर कैसे चला, बोले चलाओ दो अभी, देखो ये कोई इंसाफ है। फिर क्या हुआ आगे, ऐसा बताया जाता है कि जब अगर कोई रथी जो होता है वो युद्ध नहीं कर रहा होता, उसका अगर बैलेंस खराब होता है, रथ गिर जाता है या कुछ भी होता है, तो फिर जो दूसरा है उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, उसको सेट होने दे। कारण क्या था, कारण जो है ना वो रथ पे चल के आ रहा था, तो उसके जो रथ था ना उसका पहिया अंदर दस गया, बहुत बड़ा खड्डे के अंदर चला गया। अब खड्डे के अंदर जब चला गया तो वो नीचे उतर रहा है उसको सही करने के लिए कि भाई, और कृष्ण बोलते चलो वीर, तीर कैसे चलाओ रथ में तो खड़ा, याद करो अर्जुन ये अभिमन्यु को उन्होंने कैसे मारा था, वो सब उन्होंने जब सारे रूल्स जो तोड़े हैं तो हमको भी तोड़ने पड़े, स्टार्ट तो उन्होंने किया था, एक एक को ऐसे। अभी दुर्योधन के साथ कैसे, दुर्योधन जो है वो इतना मतलब एक्सपर्ट था गदा युद्ध में, इतना एक्सपर्ट, उनके गुरु महाराज कौन है बताए, बलदेव जी, बलराम जी से उन्होंने युद्ध ये गदा चलाना सीखा। दुर्योधन से पूछा गया कि तुम पांचों पांडवों में किसके साथ युद्ध करोगे, एकदम आखिर में बचे थे जो दुर्योधन, तो बोला नकुल और सहदेव तो एक गदा खा के उसी टाइम पर मर जाएंगे, क्या मजा आएगा युद्ध कर।
अर्जुन को तो गदा चलानी नहीं आती, गांडीव चलाना आता है। युधिष्ठिर महाराज तो बेचारे धर्मराज, मैं युद्ध किसके साथ करूंगा? भीम के साथ। अब भीम के साथ जब दुर्योधन का युद्ध हो रहा है तो चला रहे युद्ध, और उस टाइम पर क्या हुआ था ये तो शायद आप लोगों को पता हो कि आखिर में जब हरे कृष्णा, आखिर में जब गांधारी को पता चला कि मेरे 99 बेटे मर गए हैं, तो दुर्योधन को बोला कि दुर्योधन तुम मेरे पास आना। गांधारी को जानते हो ना आप, उनकी माता थी, उन्होंने आंखों में पट्टी बांधी हुई थी। आंखों में पट्टी बांधकर उन्होंने बोला कि देखो तुम मेरे पास आना, लेकिन कपड़े पहन के नहीं आना। तो मेरे आंखों में जो इतनी मेरी साधना की जो शक्ति है ना, वो सारी शक्ति मैं तुमको दे दूंगी, और फिर तुम्हारा जो पूरा शरीर है वो वज्र का बन जाएगा, उस पर गदा भी असर नहीं करेगी, लेकिन तुम कुछ पहन के नहीं आना, कपड़े पहन के नहीं आना, ऐसे आना बगैर कपड़ों के। तो अभी दुर्योधन तो इतना बड़ा था, तो क्या हुआ, उसने बोला ठीक है अगर इतना में शक्ति मिलती है तो मैं कपड़े पहन के नहीं जाऊंगा। तो रात को दुर्योधन जो है वो बगैर कपड़ों के जा रहा था, ठीक है। फिर रास्ते में उसको कृष्णा मिले, कृष्णा ने कहा ए दुर्योधन तुम इस हालत में किस कहाँ जा रहे हो? तो बोला मुझे मेरी माता जी की आज्ञा है कि तुम कपड़े पहने बगैर तुम यहाँ पर आओ, मेरे साथ मेरे सामने आओ। बोला लेकिन ऐसे तुमको शर्म नहीं आएगी, तुम बगैर कपड़े पहने के माँ के पास जाओगे? बोला इसमें शर्म की क्या बात है, मैं तो माँ है, वो बचपन से मैं उनके साथ रहता हूँ। बोला बचपन में छोटा बच्चा होता है, तुम इतने बड़े जवान हो गए, तुम ऐसे ही जाओगे क्या बगैर कपड़े पहन के? तुम ऐसा करो कपड़े नहीं पहनो, तुम्हें ना केले के जो लंबे लंबे पत्ते होते हैं ना, उनसे एक ना जैसे शॉर्ट बनाते हैं ना, शॉर्ट बना के कम से कम अपने कमर के नीचे का हिस्सा जो है वो छुपा दो, थोड़ा सा तो सभ्य बनो, इतना थोड़ी तुम जवान हो गए ऐसे हालत में माँ के पास जा। कृष्ण ने उसको केले के पत्ते का शॉर्ट बना के पहना दिया। अब वो गया है दुर्योधन अपनी माँ गांधारी के पास, और गांधारी को बोला, गांधारी ने बोला जैसे मैंने कहा था तुम वैसे ही आए हो ना पुत्र? तो उसने बोला जी माता श्री, मैं कोई वस्त्र पहन कर नहीं आया। उसको लगा वस्त्र तो पहना है केले के पत्ते। और गांधारी ने जैसे पट्टी खोली और पट्टी खोल के आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली, तो सारा जितना शरीर था ना वो पूरा वज्र का बन गया, और ये हिस्सा जंगा बोलते ना उसको, वो रह गया, क्योंकि उधर तो दृष्टि पड़ी नहीं, वो तो ढका हुआ था। तो फिर अब तुमने बोला, गांधारी ने बोला मैंने तुमको क्या बोला था, तुमने ये क्या किया? तो बोला ये कृष्ण ने बताया ऐसे हुआ। तो गांधारी ने कहा कि जब कृष्ण चाहते ना किसी का विनाश करना तो कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। अब तुम जाओ, तुम्हारा शरीर तो, लेकिन गदा युद्ध का एक नियम होता है, मैं तुमको बता रही ये हूँ कि किस तरह से कृष्ण ने नियम तोड़े, ठीक है। गदा युद्ध का एक नियम होता है कि कमर के नीचे गदा नहीं चलती है, गदा इधर चलती है, इधर चलती है, ठीक है। अब गदा चली जा रही है, भीम गदा मारा, ठक, आवाज ऐसी आ रही है जैसे किसी लोहे के थंब पर, क्योंकि पूरा शरीर जो था वो वज्र का बन गया था, उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो फिर है ना करते करते भीम जो है वो इतना थक गया, क्योंकि भीम को लग रहा था, और दुर्योधन बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, भीम को तो ब्लड भी निकल रहा था, दुख भी था, उसको तो खाली ऐसे लोहे के ऊपर गदा लगता कैसे आवाज आती है, टान टान ऐसे आवाज आ रही है। तो भीम ने बोला कृष्णा अब क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसको तो लग ही नहीं रहा, मैं तो मर जाऊंगा इस तरह लड़ाई करते करते। तो कृष्ण बोलते हैं अभी उसको बोलते आहू आहू इधर मारो, मतलब उधर से युद्ध हो रहा है, मतलब इधर मारो, आहू मंजले भैया आहू। तो वो बोलते हैं कि ये तो गदा युद्ध का नियम ही नहीं है, मतलब जंगा पे तो गदा चलती नहीं है। बोला इन्होंने कौन से नियम को पालन किया था, ये अभिमन्यु को मारे थे, साथ साथ महारथी मिलकर एक साथ मारे थे, इन्होंने सारे नियम तोड़े, हम भी नियम तोड़ेंगे। और ऐसे करके करके भीम की, बोला अगर तुम इसकी जंगा को छोड़ोगे तो तुमने जो वो एक प्रतिज्ञा ली थी ना, जब जब दुर्योधन जब दुशासन लेकर आए थे भरी सभा में द्रौपदी को,
उसने बोला था तुम्हारी जंगा को तोड़ूंगा, क्योंकि उसने बोला था ना आज द्रौपदी मेरी जंगा, बोला अगर तुम इसको छोड़ दोगे, इसकी जंगा को नहीं तोड़ोगे, युद्ध करते रहोगे, तो क्या तुमने जो प्रतिज्ञा ली है कि इसकी जंगा को तोड़ूंगा, तो इसके मृत्यु शव की जंगा तोड़ोगे, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। और कृष्ण ने उसकी जंगा को तोड़ा दिया वहां पर, और इस तरह से दुर्योधन की भी है ना, दुर्योधन भी हार गए। तो मतलब यहाँ पर ये है कि कृष्ण जब हमारे साथ हैं तो वो कोई भी नियम तोड़कर हमें सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कृष्ण का मतलब होता है जो कुछ भी कर सकता है, जो भगवान का मतलब होता है वो उसको, उसके ऊपर जब हम डिपेंडेंट हैं, जब हम उस, उन्होंने ये, और भगवान ने मुझे सबसे अच्छा जो लगता है ना हमारे लिए, जो सबसे बड़ा बल है ना श्रीमद् भगवद गीता का जो श्लोक है वो है कि कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्तः प्रणश्यति, कि ये बात को तो तुम निश्चित पूर्वक घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का नाश होने में कभी नहीं दूंगा, उसके लिए कुछ भी कर दूंगा। और हमको खाली भक्त बनना है, भक्त कैसे बनना है, एक जितनी हमारी प्योरिटी होगी ना, हम एक बार सोच लेना कि बस हमको एक शुद्ध भक्त बनना है, बस ये इच्छा भी, ये डिजायर भी आ जाएगी ना, सरकम टेंसेस खुद ब खुद आ जाएंगे, वैष्णव खुद मिलेंगे, भगवान भेजेंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन, हमारी जितनी जितनी प्योर डिजायर होगी ना उसको फिलअप कैसे करना, उसको फुलफिल कैसे करना, वो सारी योजना कृष्ण करेंगे। हमारे राम कपूर वो पता बोलते थे आपको एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनना है, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनो, और कृष्ण एक बहुत ही अच्छे कारीगर है, अगर आप अच्छे इंस्ट्रूमेंट हो और कारीगर को पता है कि ये कहाँ फिट होना है, कारीगर तो कृष्ण तो सब पता है, वो खुद ही आपको फिट करेंगे, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या सेवा करनी है, मुझे कहाँ फिट होना है, आपको खुद वो खुद सारी चीजें वो योजना बनाएंगे, कृष्णा सरकमस्टेंसेस देंगे, प्लेटफॉर्म देंगे, अवसर देंगे, सब कुछ करेंगे। हमको खाली हृदय से ये करना है, मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है, मुझे श्री प्रभुपाल जी को प्रसन्न करना है, बाकी सारी जिम्मेदारी उसकी है। अगर हम अपने मोटिव को, अपनी अपने इच्छाओं को साइड में रखकर, अन्य अभिलाषिता को साइड में रखकर अगर हम कृष्ण के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे कल प्रभु एक बहुत ही सुंदर बात बताए कि जब भक्ति ये सोचता है कि मुझे कृष्ण के लिए कुछ करना है, कृष्ण की सेवा करनी है और मुझे उसकी बदली में कुछ नहीं चाहिए, तो कृष्ण परेशान हो जाते हैं। फिर कृष्ण को लगता है कि मैं कैसे इसको खुश करूं, क्योंकि ये तो कुछ मांग नहीं रहा है, इसकी कोई डिमांड नहीं है। डिमांड होगी ना जब, तो कृष्ण बहुत ईजीली देकर छूट जाएंगे, लेकिन डिमांड नहीं होगी ना तो वो बोलते हैं मैं ऋणी हो गया, अब मैं क्या करूँ इसके लिए। तो यहाँ पर बता रहे श्री प्रभुपाद जी हाँ कि विरोधी पक्ष में भीष्म, द्रोण तथा शल्य जैसे महान सेनापति थे, अतः उस युद्ध में यदि श्री भगवान ने सब प्रकार से युक्तियों की सहायता ना की होती तो अर्जुन का जीतना असंभव था। सामान्यतः ऐसी युक्तियाँ आधुनिक राजनीति में भी सभी नीतिज्ञ द्वारा अपनाई जाती हैं, लेकिन ये सब भौतिक शक्तिशाली गुप्त शरीर, सैन्य निपुणता तथा राजनैतिक दावपेच द्वारा संपन्न की जाती हैं। क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त थे, अतः भगवान ने स्वयं यह सब किया, अर्जुन को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ी। भगवान की भक्तिमय सेवा की विधि ऐसे ही होती है, तो उनको कोई टेंशन ही नहीं था, सब कुछ भगवान बताते ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। तो हमको कभी कभी लग सकता है ऐसा कि भाई कृष्ण तो ना द्वापर युग में थे, मुझे अक्सर लगता है जब प्रभु बोलते हैं ना अर्जुन ने कृष्ण को अपने रथ का सारथी बनाया, और कृष्ण जिसके सारथी होते हैं वो तो कभी भी उसका रथ तो कभी भी, तो हमको भी कृष्ण को अपने रथ का सारथी बना, तो मैं हमेशा लगता है हम अपने रथ का सारथी कैसे बनाए, वो कृष्ण तो द्वापर युग में थे, हमारे रथ को कैसे, बोला तुम्हारा रथ कहाँ है,
रथ भी तो नहीं है अर्जुन का रथ, तो हमारा रथ क्या है, हमारी बुद्धि, ये जो पूरा शरीर है हम बोलते हैं ना, ये पांच इंद्रियां घोड़े हैं, मन उसकी लगाम है, बुद्धि उस बुद्धि जो है ना सारथी है। तो बुद्धि में अगर कृष्ण को बिठा दिया कि कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी, आई एम सरेंडर टू कृष्णा, मैं कृष्ण को सरेंडर करता हूँ, मैं कृष्ण की शरणागति हूँ, तो ये मतलब कृष्ण को बिठा दिया, आप निश्चिंत हो जाओ, वो खुद ही प्लान करेंगे, वो खुद ही योजना बनाएंगे कैसे किस तरह से हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचना है, अपने आध्यात्मिक गोल तक पहुँचना है, सब खुद करेंगे। हमें सिर्फ उन पर पूरा पूरा विश्वास रखना है और उनको शरणागत होना है प्रेम के साथ। दो कार्य बोले थे प्रभु ने क्या करने हैं लास्ट में, कल तो तीन, पहले वाले दिन तीन काम बोले थे, कौन से, एक तो वैष्णव सेवा, दूसरा नाम संकीर्तन और श्री विग्रह सेवा, भगवान की सेवा, और क्या कल दूसरे दो बताए थे, क्या एक कट हो गया था, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दोई करे शीघ्र पावे कृष्ण प्रेमदन, नाम संकीर्तन करो, भक्तों की सेवा करो और बहुत ही जल्दी कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय, हरिराधार हरे कृष्ण महामंत्र की जय, नित्य लीला प्रवेश इसकी पाइंग ग्रेस हरे चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी प्रभुपाद की जय, गौर प्रेम हरे हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, युग धर्म हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, कलयुग आधार हरे कृष्ण महामंत्र जय।